रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण के किस्से अनोखे हैं। रामानंद सागर की रामायण जब लॉकडाउन के दौरान दोबारा रीटेलीकास्ट किया गया तो इसकी दीवानगी वैसे ही दिखी जैसे कि आज से करीब 3 दशक पहले देखने को मिलती थी। रामानंद सागर की रामायण ने इस बार लोकप्रियता के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि रामायण में अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिन्हें लोग भूल से चुके हैं, लेकिन जब ये शो दोबारा से रीटेलीकास्ट हुआ तो एक बार फिर से उनके सभी चेहरे जहन में ताजा हो गए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनमें से बहुत सारे चेहरे अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और उन्हीं चेहरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। रामानंद सागर की रामायण से जुड़े 9 बड़े ऐसे किरदार जिनको निभाने वाले कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं कलाकारों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इस लिस्ट में तो वैसे बहुत सारे कलाकारों का नाम है, लेकिन सबसे पहले नाम लेंगे सुंदर कलानी का। सुंदर कलानी का भी हाल ही में निधन हो गया। वह रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव और बाली का किरदार निभाया था। रामायण में ही दर्जनों किरदार निभाकर हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा जाता है वो एक लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और बाद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं रामायण में विभीषण का रोल निभाकर चर्चा में आए एक्टर मुकेश रावल का। भला उन्हें कौन भूल सकता है। विभीषण का किरदार निभाकर वह बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे, लेकिन दुख की तो बात यह है कि 15 नवंबर 2016 को एक ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जवान बेटे की मौत के बाद से वे काफी ज्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे थे और एक दिन उन्होंने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। इस लिस्ट में अगर तीसरे एक्टर की बात करें तो दारा सिंह को भला कौन भूल सकता है। हनुमान के रोल में घर घर में मशहूर हुए दारा सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है। राम भक्त हनुमान के किरदार में दारा सिंह इतने लोकप्रिय और पूजनीय हो गए कि उमरा गांव जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वहां के मंदिरों में हनुमान के रूप में ही दारा सिंह की तस्वीरें लगने लगी थी, लेकिन 12 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है महारानी सुनैना के किरदार निभाने वाली पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट का। उन्होंने 22 फरवरी 1997 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पांचवे कलाकार की बात करें तो नलिन दवे का नाम आता है। शायद आप उन्हें इस नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रामानंद सागर की रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले नलिन दवे भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में काम किया, लेकिन 50 साल की उम्र में ही नलिन दवे का निधन हो गया। छठवें पायदान पर आते हैं विजय अरोरा। विजय अरोरा ने शुरुआत भले ही फिल्मों से की, लेकिन जीना तमान से लेकर आशा परेख तक हर एक्ट्रेस के साथ काम कर लिया, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। रामानंद सागर की जब उन्होंने मेघनाथ इंद्रजीत बनकर लोगों के सामने पेश हुए, इस रोल ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया, लेकिन साल 2007 में पेट के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। सातवें पायदान पर आती हैं रामायण में दासी मंथरा का किरदार निभाकर सफलता पाने वाली ललिता पवार। हालांकि अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। 24 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया। आठवें कलाकार की बात करें तो रामायण में राम की माता कौशल्या का किरदार एक्ट्रेस जयश्री गडकर ने निभाया था। कौशल्या के रोल में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। वह टॉप की मराठी एक्ट्रेस थी और 1950 से लेकर 1980 तक मराठी सिनेमा में राज किया। 19 अगस्त 2008 को जयश्री गडकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। नौवें और आखिरी कलाकार की अगर बात करें तो राजा जनक बने मशहूर एक्टर और राइटर मूलराज रजदा भी अब इस दुनिया में नहीं है। रामायण के अलावा उन्होंने रामानंद सागर के साथ विक्रम और बेताल में भी काम किया था। 23 सितंबर 2012 को मूलराज रजदा इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों ये थे रामायण के वो बड़े कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे देखा जाए रामायण की लोकप्रियता आज भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और जब भी टीवी पर रामायण प्रसारित किया जाता है तब उसे बड़े चाव से लोग देखते हैं।